गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आपु क्षमा। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम्, छायामार्तन शंभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ओम शम शनेश्वराय नमः। ओम शम शनेश्वराय नमः। नमो नारायण। 18 मई सन 2015 शनि जयंती महोत्सव की संपूर्ण राष्ट्र को हार्दिक शुभकामनाएं। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण। श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। अद्भुत दिन है 18 मई, देवादिदेव शनिदेव की जन्म जयंती है और संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। नमो नारायण। और मैं सच कह रहा हूं आपसे, जीवन की हर दर्द की दवा है देवादिदेव शनिदेव, हर समस्या का समाधान है देवादिदेव शनिदेव, और उनकी कृपा से मैं आपके सामने आता हूं, इसलिए आपको भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सुख और समृद्धि का उपभोग कर सकें, हर रोज गुरुवाणी लेके आपके सामने आता। और आज तो बुधवार का दिन है, और आज के दिन भगवान गणपति को कैसे प्रसन्न करें कि गणपति विघ्न हरता है, विघ्न हरता गणपति को कैसे प्रसन्न करें, वो पूजा और वो मंत्र लाया हूं कि संपूर्ण कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आज का जीवन मंत्र, व्यापार में सफलता का अद्भुत उपयोग, विघ्न और बाधा निवारण हेतु सलाह सुझाव, दिल की धड़कन तेज हो तो देसी नुस्खे और धन वर्षे उपाय। लेकिन हर रोज की तरह आज भी लगन में मिथुन लगन की बात करूंगा, और मिथुन लगन का स्वामी बुध है। यदि इनके फिजिक्स की बात करूं मिथुन लगन के, तो इस राशि के जातक जातिकाएं प्राय कद सामान्य रहता, अच्छा रहता है, गोरवर्ण रहता है, सुंदर बाल, बड़ी सी नाक, आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी नजर आती है। लेकिन ये लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, चतुर बहुत होते हैं, समझदार बहुत, सूझबूझ से भरे होते हैं, लंबाई ठीक रहती है, लेकिन जातक दुबला पतला भी होता है, लेकिन नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, अस्थिरता रहती है, लेकिन विचार बड़े मौलिक होते हैं इनके। और इनका सबसे बड़ा गुण है स्पष्टवादिता और मधुर स्वभाव। यात्राएं इन्हें बड़ी पसंद होती है और खेलों के शौकीन होते हैं। मिथुन लगन वालों का भाग्य उदय हमेशा मित्रों और संबंधियों के सहयोग से भाग्य उदय होता मैंने देखा है। भाग्य उदय में मित्रों और संबंधियों का सहयोग बड़ा ज्यादा रहता है। और इनका भाग्य उदेश के जो वर्ष है वो 22वें वर्ष, 32वें वर्ष, 35वें वर्ष और 36वें वर्ष और 42वें वर्ष में होता है। इन्हें अचानक सफलताएं मिलती, अचानक धन मिलता है, अचानक कारोबार में सफलता मिलती है। इन्हें नैतिकता का दामन हमेशा पकड़ कर रहना चाहिए, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना इनके लिए बहुत जरूरी। यदि इन्होंने सामाजिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया और व्यर्थ में अनैतिक बातों में उलझ गए तो ये विपत्तियों से गिर सकते हैं, सामाजिक मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। जातक साहित्य क्रय और विक्रय, वाणिज्य, चित्रकारी, संगीत, यात्रा, प्रचार प्रसार, शोध, संपादन, अध्यापन के कार्यों में बड़ी सफलता हासिल करता है
और मिथुन लगन को तुला लगन, धनु लगन और कुंभ लगन के जातकों से हमेशा सहयोग मिलता है, मैत्री मिलती है, प्रेम मिलता है। लेकिन जिस तरह के लग्न है इनका, इन्हें हमेशा अपने फेफड़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए धूम्रपान से बचना चाहिए। जातक भ्रमण और परिवर्तन प्रिय होता है। कई बार मैंने देखा कि मिथुन लग्न के लोग व्यवसाय की बजाय नौकरी में अधिक सफल होते हैं। जून, सितंबर और दिसंबर का महीना इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा और सोमवार के दिन में इन्हें सफलता बहुत मिलती है। और यदि मिथुन लग्न के लोग पन्ना के साथ साथ हीरा धारण करें तो बड़ा अच्छा रहेगा और हीरे की जगह जरकन धारण करें तो बड़ा लाभ। मैं ये कहता हूं कि चार मुखी रुद्राक्ष 11 दाना लाल धागे में धारण करिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपके लिए जो रंग है वो हल्का हरा, हल्का सफ़ेद, सुनहरा लाल रंग आपको बड़ा लाभ देगा। ये छोटी छोटी बातें हैं मिथुन लग्न वालों जो मैंने आपको बताई है। और मुझे बहुत कुछ कहना होता है लेकिन उससे पहले बुधवार की पंचांग की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की दशमी, विक्रम संवत 2072, वैशाख मास की 30 प्रविष्टि, शक संवत 1937, वैशाख 23, तद अनुसार बुधवार 13 मई सन 2015। और बुधवार का प्रातकाल नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र चंद्रमा कुंभ राशि में, और बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी, मर्जी आपकी। और बात करते बुधवार की यात्रा की। ग्रह नक्षत्र कहते हैं बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ रहेगी। मैं कहता हूँ कि चारों दिशा में यात्रा करने में कहाँ तकलीफ है। बुधवार दिन गणपति के श्रीचरणों में घी का दीपक जलाइए, मोदक भेंट करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पर निकले, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नमः। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। 13 मई आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना। 13 मई आपकी शादी की सालगिरह और जीवन में आपको परेशानियां हैं तो हर शनिवार को देवाधिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें और किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो सरसों का तेल का दान दीजिए, आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा। 13 मई आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपके जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कारोबार में परेशानी, कारोबार में कर्मचारियों को लेकर परेशानी, दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है, व्यवसाय में निरंतर घाटा हो रहा है, संतान पक्ष को लेकर आप परेशान है, तो कुछ बातें जिन पर आप ध्यान करें। पहली बात, दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का पालन करें, कम से कम झूठ बोले। कौन झूठ नहीं बोलता, मैं भी बोलता हूं, लेकिन कम से कम झूठ बोलने का प्रयास करना चाहिए। लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करें, घर का मुखिया नहीं बने, कोई भी कार्य जीवन में करें लोगों से सलाह लेकर करना चाहें। कैरियर, कारोबार, परिवार, व्यवसाय संबंधी परेशानियों के निवारण, रसोई में बैठ के भोजन करें और श्रद्धानुसार जो गाय के दूध में धोकर रविवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करिए, कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। बुधवार के जीवन मंत्र की बात करूं उससे पहले इस संदेश को ध्यान से सुन लीजिए कि 18 मई सन 2015 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। 18 मई देवाधिदेव शनिदेव की जन्म जयंती है और संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर से कहना चाहता हूँ कि एक बार देवाधिदेव शनिदेव के दर्शन के लिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में जरूर आए। करिए प्रभु के दर्शन, आपके कष्ट मिटेंगे, आपकी परेशानी का निवारण होगा। और बात करते हैं जीवन मंत्र। सनातन जीवन शैली है ना, सनातन जीवन शैली संपूर्ण शांति का प्रतीक है और सनातन जीवन शैली को अपनाए बिना शांति संभव नहीं है। और सनातन जीवन शैली में अहिंसा शांति का पहला पाठ है। किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी की भी हिंसा नहीं करना, ये पहला पाठ है। अहिंसा और अध्यात्म, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा का मतलब चराचर जगत पर सभी वस्तुओं पर सभी का हक है भाई, कोई भी उपभोग की वस्तु
जो सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार है उस पर सबका हक है। उपभोग की वस्तु केवल आपके लिए नहीं, औरत का भी उस पर हक हो सकता है। बहुत जरूरी ये विचारधारा। और यदि इस राष्ट्र में समाजवाद लाना है तो सर्वप्रथम अपनी विचार शैली में अहिंसावाद लाना होगा, क्योंकि हमारे सिद्धांत ही बड़े उल्टे हो गए। कोई गरीब है तो दबता ही जा रहा है, दबता ही जा रहा है, दबता ही जा रहा है, गरीब होता ही जा रहा है। और कोई अमीर है तो बस अमीर होता ही जा रहा है, अमीर होता ही जा रहा है, अमीर होता ही जा रहा है। ये सिद्धांत ठीक नहीं। देश भारत में गरीबी नहीं है, गैर बराबरी है। क्या संतों ने बात कही है। और कहीं टीला बनाना है तो गड्ढा खोदना पड़ेगा ना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि टीले की यदि मिट्टी गड्ढे में डाल दी जाए, अपने आप समाधान आ जाएगा। धर्म केवल मंदिरों में और मस्जिदों में और गिरजाघरों और गुरुद्वारों में नहीं होना चाहिए, बाजार और ऑफिस में भी होना चाहिए। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं होना चाहिए, पंथों में नहीं होना चाहिए, संतों के पास नहीं। धर्म हर जीवन में होना चाहिए, और धर्म का संबंध दीवारों से नहीं, दिल से होना चाहिए। तब जाके राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, इस राष्ट्र में कल्याण होगा, इस राष्ट्र की प्रगति होगी और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये संतों के विचार ध्यान रखिएगा, मैंने अपनाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपको बांट दिया। इस पर मेरा कोई दावा नहीं हो सकता है। समय छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद भगवान गणपति को कैसे प्रसन्न करें वो मंत्र और वो पूजा बताऊंगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, 18 मई 2015 शनि जयंती महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद बहुत कुछ बताना है। नमो नारायण। नमो नारायण। क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा है, क्या अपनों का सुख नहीं मिल रहा है, या कैरियर और नौकरी में आप परेशान हैं, क्या संतान सुख नहीं है, क्या आपकी शादी नहीं हो रही है, क्या व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका जो आपके हर कष्ट को हरेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब रत्न विचार, काल सर्प मांगलिक विचार, साढ़े साथी आदि के उपाय कब और कैसे करें इसकी पूरी जानकारी है। आपके जीवन में आप कैसे उन्नति की राह की ओर बढ़ सकते हैं इसका भी उपाय इस जन्म पत्रिका में निहित है, क्योंकि आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। इसको पाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 0991069200109414124 1240 09717457565 एंड 01166530। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.shanidham.in। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोगों ने कहा दाते महाराज कैरियर में विघ्न बहुत है, शादीशुदा जिंदगी में विघ्न बहुत है, परिवार में विघ्न बहुत है, कारोबार में विघ्न बहुत है, शिक्षा में विघ्न बहुत है, इन विघ्नों का निवारण कैसे हो। अरे भाई जीवन में कैसा भी विघ्न हो, विघ्न हता गणपति की पूजा कर लीजिए, संपूर्ण विघ्नों से छुटकारा मिल जाए। अब भगवान गणपति विघ्न हर्ता को कैसे प्रसन्न करें वो पूजा और वो मंत्र अभी बताऊंगा, तुरंत बता रहा हूं। साथ ही अद्भुत उपाय लेकर आया हूं व्यापार में सफलता का भी और विघ्न और बाधाओं के निवारण का भी। सलाह लेकर आया हूं, सुझाव लेकर आऊं, दिल की धड़कन तेज, देसी नुस्खे और धन वर्षे उपाय। लेकिन यदि आपके जीवन में विघ्न है
लाख कोशिशों के बावजूद आप अपना मकान नहीं बना पा रहे, उसमें विघ्न है। आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उसमें विघ्न है। आपका स्वयं का अपने घर में मन नहीं लग रहा, ये भी विघ्न है। आज बुधवार का दिन, आज के दिन नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में मिट्टी की गणपति जी की स्थापना करिए। जल गंगा जल पंचामृत से स्नान कर स्नान कराई, पुनेश्वर जल से पवित्र करी, श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पंचोपचार पूजन करी। पूजा स्थान में 1.25 मीटर हरा कपड़ा बिछा दीजिए। शुद्ध आसन पर बैठकर ओम विघ्ननाशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते 108 हरी इलायची गणपति को अर्पित करें। हर रंग की मिट्टी का भोग लगाए और इस पूजा से, इस पूजा को आप करके देखिए। ओम विघ्ननाशाय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों, मकान संबंधी परेशानियां हल होगी, कैरियर संबंधी परेशानियां हल होगी, परिवार संबंधी विघ्न हल होंगे, हर जीवन की हर विघ्न और बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पूजा के उपरांत ये इलायची अपने ऊपर 7 बार उतार कर बहते पानी में प्रवाह कर दी कपड़े सहित। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज व्यापार में सफलता के लिए क्या करें? यदि आप कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं तो नया काम में आपको सफलता मिले, किसी भी शनिवार दिन राहु काल के दौरान पहले से चल रहे सफल कार्यकाल या कारखाने से कोई लोहे की वस्तु लेके आ जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका उद्योग सफल हो, आपका कारोबार सफल हो, तो किसी भी शनिवार दिन राहु काल के दौरान जो पहले से आपका काम चल रहा है, चाहे ऑफिस आपका है चाहे कारखाना है, वहां से लोहे की वस्तु लेके आ जाए, उसका स्वस्तिक बना लीजिए। इस स्वस्तिक को कार्यालय या कारखाने के दोनों तरफ लगा दे, आप देखेंगे पुराने उद्योग के साथ साथ नया उद्योग भी सफल होगा। नमो नारायण। यदि आपको अपने कार्य में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ा है तो हर रोज नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत गीले कपड़े में ब्रह्म मुहूर्त में घर के बाहर के मुख्य द्वार के ठीक दाहिने हाथ कच्चा दूध और जल डाले, तत्पश्चात उस पर सरसों का तेल का चौमू का दीपक प्रज्वलित कर दे। ऐसा करने से संपूर्ण और विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिल जाए। अगर बात करते हैं वास्तु सलाह की, तिजोरी कभी भी सैन्य कक्ष में नहीं होनी चाहिए, और यदि रखनी है तो दक्षिण दिशा में रखिएगा। तिजोरी का उत्तर दिशा में खुलना समृद्धि का कारक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सुझाव की, कारोबार में वृद्धि के लिए 7 श्रीफल 700 ग्राम कमल गट्टे लाल कपड़े में लपेटकर किसी मंदिर में दान दे दीजिए, अवश्य कारोबार में वृद्धि होगी। नमो नारायण। और बात करते हैं अद्भुत देसी नजर, यदि दिल की धड़कन तेज है तो 50 ग्राम सेब के जूस में 10 ग्राम शहद को मिलाकर सेवन करिए, घबराहट दूर हो जाएगी। 250 ग्राम टमाटर जूस निकालकर इस जूस में 1 मासा अर्जुन की छाल का चूर्ण मिलाकर पीने से हृदय की धड़कन बढ़ने की बीमारी में तुरंत राहत मिलती है। यदि दिल की धड़कन तेज हो गई है, 1/2 चम्मच सूखा धनिया और 1/2 चम्मच मिश्री समान मात्रा में ठंडे पानी के साथ सेवन करी, लाभ मिल जाएगा। छोटी छोटी बातें। और बात करते हैं ये सारी छोटी-छोटी उपाय, सारे छोटे-छोटे नुस्खे साथ से छोटे-छोटे टोटके www.shanidham.in पे आपको मिल जाएंगे। और बात करते हैं धनवर से उपाय की, यदि कारोबार में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ा और धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार दिन 11 लौंग 11 गोमती चक्र 11 पीली कौड़ियां 11 हल्दी की गांठ घर लेके आ जाए। शाम प्रदोष काल जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के बाद पंचोपचार पूजन करें, हीना का इत्र लगाएं, नीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दें, इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें। हर रोज प्रदोष काल में घी का दीपक दिखाएं, हर रोज ओम सुभक्ति गाय नमः, ओम सुभक्ति गाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें, अवश्य धन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। समय छोटा सा ब्रेक का है और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय श्री शनिदेव। क्या आप श्री शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या आप श्री शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर श्री शनिदेव की असीम अनुकंपा हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जानी अनजानी गलतियां माफ हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से संपूर्ण दुखों कष्टों पापों एवं संतापों का शमन हो जाए?
आपका जीवन धन संपत्ति सुख समृद्धि ऐश्वर्य एवं वैभव से परिपूर्ण हो जाए। अगर हाँ, तो आ गया है वह सुनहरा अवसर जब आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। आप अपने जीवन को सरल सुगम एवं सफल बना लेंगे। जी हाँ, भगवान शिव के शिष्य नारायण के अनन्य भक्त सूर्यदेव एवं माता छाया के पुत्र मनुष्यों के परम मित्र कल्याणकारी मंगलकारी भाग्य विधाता शुभ फल प्रदाता श्री शनिदेव की जयंती पर 18 मई 2015 को परम धाम पावन तीर्थ श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में शनि कृपा प्राप्ति अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। संत शिरोमणि परम ज्ञानी श्री शनिदेव के परम पूजक परम उपासक परम साधक परम पूज्य शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के पावन सानिध्य में शनि कृपा प्राप्ति अनुष्ठान हो रहा है। इस अनुष्ठान में श्री शनिदेव के भक्तों को प्राप्त होगा सद्गुरु का सानिध्य एवं देवाधिदेव श्री शनिदेव की बरसी की असीम अनुकंपा। अनुष्ठान यज्ञ की अग्नि में आहुति देकर शनि भक्त अपने संपूर्ण दुखों दर्दों विघ्नों कष्टों एवं कलेशों का करेंगे शमन, क्योंकि भक्तों श्रद्धालुओं एवं शिष्यों को श्री शनिदेव के परम भक्त दाती जी महाराज के सानिध्य में प्राप्त होगा इस अनुष्ठान में आहुति देने का शुभ अवसर। सद्गुरु खुद भक्तों को बताएंगे कि वो कैसे करें श्री शनिदेव का पूजन अर्चन अनुष्ठान जप तप योग ध्यान तंत्र एवं मंत्रों की साधना, ताकि भस्म हो जाए आपके जीवन के दुख कष्ट विकार और नष्ट हो जाए दुखों कष्टों क्लेशों को जन्म देने वाली नकारात्मक ऊर्जा। इस अनुष्ठान का हिस्सा बनकर आपको शनि जनित दुष्प्रभावों दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा साढ़े साथी ढैया आदि से मिल जाएगी मुक्ति। पंजीकरण करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 09717457565 09414124600 09910692004 09910692003 हमारा पता है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम श्री शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी छतरपुर मेहरोली नई दिल्ली 110074। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय प्रभु के दर्शनों का है, इसलिए प्रभु दर्शनों के लिए चलते हैं दादी धाम को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि।
ज्ञानाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनेश्चरम् नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण कर रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान हरि विष्णु को कैसे मनाया जाए, वो जीवन मंत्र, वो पूजा, वो उपाय, सुझाव देसी नुस्खे धन भर से उपाय लाऊंगा। लेकिन इस संदेश के साथ कि 18 मई सन 2015 शनि जयंती महोत्सव, संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक आपके कष्ट मिटेंगे। आज इतना ही। अपनी गुनाह अपनी गलती अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण।